हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हम लोग भी स्वस्थ और मस्त हैं। और स्वागत है आप सबको हमारे नए ब्लॉग में। और अभी शाम के 10 मिनट फास्ट है मेरा घड़ी पर, 7:15 हो रहा है और 7:15 हो रहा है। और अभी हम थोड़ा देर पहले रील बनाए और भी बिना मेकअप का बनाए, कभी कभी चलता है। तो मेरा शाम में अभी छुट्टी चल रहा है, कुछ दिन मेरे को छुट्टी मिला हुआ है, तो बस इसीलिए थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं शाम में, नहीं तो अभी तो काम में होते। तो शाम में हम लोग बैठे हुए हैं अभी, और मेरा बेटा जा रहा है दूध लाने। साहिल यहाँ हेलो कर दो। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप सभी सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी दूध लाने, थोड़ा लेट हो गया मेरा, तो मैं निकल रहा हूँ मम्मी। अच्छा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम और ऐसे वीडियो बनाएं। तो मैं जा रहा हूँ। तो अब हम सोचेंगे खाना पीना का क्या बनाएंगे, रात में हम लोग का खाना क्या बनेगा, यही सोच रहे हैं। कुछ खाना का समझ में नहीं आ रहा है, तो काम पे नहीं जाना था, तो कुछ बढ़िया बनाने का सोच रहे हैं। ऐसे तो हमको फुर्सत नहीं मिलता है खाना बनाने का ठीक से, तो कुछ मनपसंद बनाते हैं। तो देखते हैं किचन में क्या खाने पीने का कुछ सुविधा है मेरे किचन में, तो उस तरह का बनाएंगे और अच्छा भी लगे। बरसात भी हो रहा है तो थोड़ा बढ़िया लगेगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों मेरे किचन में वैसा कुछ खाने पीने का सुविधा नहीं है, लेकिन यहाँ पे है आलू प्याज, तो हम सोच रहे हैं आलू का पराठा बनाएंगे। तो हम चलते हैं आलू को बॉईल करने। आलू का पराठा भी बहुत दिन से नहीं खाए हैं, तो आलू का पराठा आज बनेगा। दोस्तों देख सकते हैं आलू सबको धो लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं आलू धो लिए हैं, बीच से काट दिए हैं क्योंकि बड़ा बड़ा आलू था, तो इसको हम काट दिए हैं, पानी भी डाल दिए हैं धो के। अब इसको हम चढ़ा देंगे, इसको बंद करके हम चढ़ा देंगे गैस में, इसको हम चढ़ा देते हैं इस तरह का। और जब तक मेरा आलू पकेगा तब तक हम प्याज को काटेंगे, प्याज फ्राई करेंगे आलू को, और इतना बर्तन धो लेंगे अपना। ऐसे मेरा बेटा भी धो देता है पर हमको घर में देखता है तो घर में वो नहीं करने खोजता है, तो हम इतना काम कर लेते हैं फिर आलू का तैयारी करेंगे। तो ये जब तक पकता है तब तक अपना काम कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों मेरा आलू पक चुका है, इसको उतार देते हैं। और मेरे पास परवल है तो इसको हम चोखा बनाएंगे। तो इसको हम, पता नहीं मेरा बेटा खाएगा कि नहीं, लेकिन हमको पसंद आता है, तो इसको हम धीरे धीरे पकाएंगे इस तरह का, ये पकेगा। और आलू मेरा पक चुका है तो इसको खोलेंगे, तो इसके लिए इसे यहाँ पे ठंडा कर लेते हैं। और मेरा आटा भी सना गया है और प्याज भी काट लिए हैं ये वाला मैं, ये मेरा बेटा के लिए खरीद दिए हैं, उसको काटने नहीं आता है, लेकिन आज हम भी काट लिए इसमें जल्दीबाजी में, मेन टाइप का कट आता है। तो अभी हम आलू को खोल लेते हैं और इसका फ्राई करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं हम आलू को निकाल लिए हैं, लेकिन बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा होने देते हैं क्योंकि हाथ जल रहा है, और ये ठंडा होगा तो इसका फ्राई करेंगे। तब तक मेरा ये धीरे धीरे पक रहा है, थोड़ा सा इसका भरता बनाएंगे, देख सकते हैं परवल का भरता बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आलू को ठंडा होने देते हैं फिर बनाएंगे उसका। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं आप गैस जला रहे हैं, इसमें चढ़ाएंगे हम कढ़ाई, और आलू को छील लिए हैं, देख सकते हैं मिर्ची भी, हरा मिर्ची काट लिए हैं, आधा आलू में डालेंगे
और आधा ये भरता में डालेंगे, परवल का भरता बनाएंगे। और ये मेरा हल्दी का पाउडर है, गोलकी का पाउडर है, और ये मिर्ची पाउडर है, और ये मिक्स मसाला है, इसी में से डालेंगे। और ज़्यादा कुछ डालना नहीं है हमको, तो अभी सब फ्राई करेंगे। और देख सकते हैं ये प्याज काट लिए हैं मैन, ये थोड़ा सा प्याज चोखा में डालेंगे, बाकी प्याज इसमें डालेंगे जब मेरा आलू का फ्राई होगा उसमें डालेंगे। दोस्तों देख सकते हैं हम इसी तरह का बनाएंगे, और इसका लोहिया बना चुके हैं आटा का, और फ्राई होगा आलू ठंडा करके, उसके बाद हम लोहिया में भरेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। दोस्तों देख सकते हैं मेरा आलू का ये बढ़िया है, आलू का तैयारी हो गया है, मसाला वसाला डाले हैं, थोड़ा चटक बना रहे हैं। ऐसे ही प्लेन में बनता है, लेकिन हम थोड़ा चटक बना रहे हैं, फुर्सत है तो इसको हम ठंडा करेंगे, अभी गर्म है तो ठंडा करेंगे, उसके बाद सेकेंगे। देखिए मेरा परवल का भरता भी अच्छा से बन गया है, और बहुत ही टेस्टी लगता है, आप लोग बना के देखिएगा कभी। तो परवल का भरता बनाएंगे, और तब तक मेरा तवा गर्म हो रहा है, और सब रेडी है, मेरा लोहिया भी बना लिया है, बस आलू भरना है, बर्तन रखे हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, मेरा आलू ठंडा हो रहा है, फिर हम भरेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोहिया बना रहे हैं, और ठंडा हो चुका है अच्छा से, तो इसको हम इस तरह का भर रहे हैं, और देख सकते हैं इस तरह का ऐसे पैक कर रहे हैं, और इसको इस तरह का यहाँ ऐसे कर दे रहे हैं, तो उसमें पत्थर लगा के रखेंगे तो उसमें छिपकेगा नहीं एक दूसरे में। और इसी तरह का अभी सबको लोहिया करके ख़त्म करेंगे, देख सकते हैं इस तरह का और ऐसे भरेंगे। और एकदम समोसा वाला आलू टक्का तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टीदार बनेगा, और आज फुर्सत है तो एकदम थोड़ा सा मेहनत से बना रहे हैं, ऐसे हमको फुर्सत कम रहता है, सब प्लेन आलू का भी बनता है। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा तवा भी गर्म हो चुका है, और मेरा लोई भी बन चुका है, तो हम फटाफट बनाते हैं पराठा। और मेरा बेटा को भूख लग गया है, तो पहले उसके लिए एक पराठा निकाल देते हैं, वो खाएगा अभी ऐसे ही, क्योंकि उसका फेवरेट है। तो एक फटाफट पहले निकालते हैं, फिर उसका पेट में जो चूहा दौड़ रहा है वो शांत हो जाएगा, फिर आराम से हम लोग बैठ के खाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, मेरा पराठा रेडी हो रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा पराठा बन रहा है, इसमें तेल रखे हैं कटोरी में, हम ज़्यादा तेल लगाते नहीं हैं, हल्का लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहिए। ऑलरेडी आलू भी फ्राई हो चुका है, और देख सकते हैं मेरा पक रहा है पराठा। खूब बढ़िया बन रहा है, आलू तो ऑलरेडी पका हुआ है पहले से, देख सकते हैं बहुत ही खुशबूदार बन रहा है, वो मेरा बेटा का फेवरेट है, देख के पहले ही भूख लग रहा है। तो मेरा पराठा बन चुका है दोस्तों, और ये खाएगा मेरा बेटा अभी, लो बता दो, बहुत ज़ोर से भूख लगा था हमको। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा पराठा बन रहा है, और एक बन चुका है, मेरा बेटा खा रहा है, देख सकते हैं उसको भूख लग रहा है, तो ऐसे ही खाएगा, वहाँ बैठ के खाओ।
खा रहे हैं। मेरा फेवरेट बना है आज। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, इतना हम पराठा सेक लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग का खाना निकल चुका है, परवल का चोखा निकाले हैं और मेरा खाना निकाले हैं। और मेरा बेटा कभी खाया नहीं है, परवल खाता नहीं है, तो चखने के लिए थोड़ा सा दिए हैं, उसको अच्छा लगेगा तो खाएगा और नहीं तो फिर नहीं खाएगा, क्या करेंगे। और यहाँ पे आलू बचा हुआ है मेरा, वो आलू खाने के लिए वो रेडी है, यही खाएगा वो, जबकि आलू का पराठा है लेकिन फिर भी आलू खाएगा, क्या कर सकते हैं। ऐसे टेस्ट करने के लिए दिए हैं, उसको खाएगा तो खाएगा और नहीं खाएगा तो क्या करेंगे। तो दोस्तों आइए खाना खा लेते हैं आप लोग भी साथ में। तो दोस्तों आइए खाना खा लेते हैं और उसके बाद आराम किया जाएगा। और अभी मेरे रूम में बैठे हैं खाना खाने के लिए, किचन रूम में थोड़ा पानी टपकता है, बारिश हो रहा है, तो आइए खाना खा लेते हैं दोस्तों। बहुत ही खुशबूदार आ रहा है, तो देख सकते हैं हम परवल का चोखा और आलू का पराठा, बहुत ही टेस्टेदार बना है दोस्तों। चोखा का भी खा के देखिए, एक नंबर चोखा खा के बताओ। परवल वाला वैसे हम परवल नहीं खाते, लेकिन अब ट्राई कर रहे हैं एक दिन आज, तो अच्छा ही है, खाना चाहिए। वैसे हम आलू भी ले लिए थोड़ा, आलू का पराठा और आलू का भरता। कौन कौन खाते हैं ऐसा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग खाना उना खा लिए हैं और सब समेट लिए हैं, देख सकते हैं बर्तन उर्तन सब सरिया लिए हैं। और हम लोग का दूध गर्म हो गया है, तो अभी पता नहीं दूध पिएगा नहीं, तो पेट ज़्यादा भर गया है। आलू का पराठा था तो फेवरेट था, तो खूब ज़्यादा खा लिए हैं, हम भी खा लिए हैं, ऐसा बात नहीं है, तो दूध सुबह यूज हो जाएगा। ऐसे मौसम ठंडा है तो ख़राब नहीं होगा, बारिश हो रहा है खूब, अभी भी बारिश हो रहा है बाहर। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा बन चुका है और अब आराम करेंगे और मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, और जो लोग नए हैं चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए प्यारा प्यारा। और मेरा बेटा अपना रूम में ले जा रहा है दूध का डेगची को, क्योंकि यहाँ चूहा आता है, उधर नाली से चूहा निकलता है, तो खाना पीना अगर किचन में रहता है तो मुँह लगाता है, तो इसीलिए रूम में ले जाते हैं, पता नहीं कैसे चूहा आ जाता है। तो कोई बात नहीं, चूहा भी आता है तो क्या करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक बोलते हैं आप लोगों को गुड नाइट। गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।